डियर स्टूडेंट्स, एक नया सेट ऑफ टॉपिक्स आज से आप सबों के बीच आ चुका है एक नए फॉर्मेट में। अब जो ये टॉपिक्स आपके पास आ रहा है ये नए फॉर्मेट में है। अब ये 10 टॉपिक्स नहीं, 8 टॉपिक्स हैं। इसमें 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए लिए गए हैं, जो 16 तारीख तक अभी हमें टाइम मिला है उसमें कुछ नए टॉपिक्स जो बचे हुए हैं ये हम लोग कर रहे हैं, और 5 पुराने टॉपिक्स रिविज़न के आ चुके हैं। तो आपका रिवीजन वर्क्स आज से शुरू हो चुका है। जो आपने पढ़ा कच्चा पक्का, जो भी कुछ याद है कुछ भूल गए, तो अब आपको ये आखिरी मौका मिल रहा है। जो रिवीजन वर्क्स जिसका चल रहा है ये दोबारे आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आप जो रिवाइज कर रहे हैं उसमें इतने अच्छे से आप रिवाइज करें कि इससे प्रश्न बन जाए, ऐसा ना हो कि आप अभी भी पढ़ने के बाद कहें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये हम समझ नहीं सके, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये नहीं करना है। अब आपको जो रिवीजन वर्क्स में मिल रहे हैं क्वेश्चंस टॉपिक्स, ये आपको बिल्कुल फाइनल करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक्स जो आपको दिए जा रहे हैं अब आज से, इसमें 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपसे इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं ये टॉपिक्स कितने अच्छे से आप कर रहे हैं इसका टेस्ट होना चाहिए। तो अब आपका 24 से 48 घंटे के अंदर हर टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। दूसरी एक बात, कुछ टॉपिक्स बल्कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके क्वेश्चंस कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, क्रॉन लूसेंट या यूनिक, उससे ही प्रश्न हो। तब आप कहेंगे कि ये तो गड़बड़ हो गया, जब इससे प्रश्न ही नहीं आएंगे तो हमने तो पूरा पढ़ा नहीं। तो हम आपको बता दें, पढ़ने का मतलब ये होता है कि कंसेप्ट बिल्ड करना, कि कोई भी बुक ऐसा नहीं है कि जो ये दावा कर दे कि सारे प्रश्न हमारे बुक से आएंगे। तो बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट उसमें मैटर्स हैं। आप इस तरह से पढ़ेंगे कि कंसेप्ट आपका ऐसा बने कि प्रश्न आउट मैन आउट हो जाए अगर बाहर से प्रश्न आए। वैसे अधिकतर प्रश्न इन गाइड बुक से आपको संभव है कि लड़ेंगे, लेकिन जो इससे बाहर से प्रश्न आएंगे उसे आपको आउट मैन आउट करके अपने सिक्स सेंस से, आपके रिवीजन वर्क से, आपकी जिजीविषा से उसे आपको सही करना है। ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। ऐसा ना हो कि आप अचानक से एकदम सोच लेने लगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, 1857 से ये प्रश्न है, हमने तो किताब बहुत अच्छे से पढ़ा था क्रॉन यूनिक लूसेंट, ये प्रश्न कहाँ से पूछ दिया। तो ऐसा नहीं होगा, प्रश्न इससे बाहर से भी आएंगे लेकिन इसे आपको हल करना होगा, आपको ऑड मैन आउट करके, आपको अपना अंदाज़ा लगा के कि हमने ये पढ़ा है। ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, इस तरह से होगा। तो दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट हुई। पहली बात कि आपसे 24 से 48 घंटे के अंदर इस पर क्वेश्चन आयर होगा। दूसरी बात ये कि आप ऐसा पढ़ेंगे कि कंसेप्ट बिल्ड हो, अब आधा अधूरा आपको नहीं पढ़ना है, ताकि इससे बाहर से प्रश्न आए तो आपसे बन जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले आपको हम पीछे दिखा देते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। जो 70 जो टोटल टॉपिक्स हैं 79th ये एपिसोड होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से ले लें। इसमें लेटर्स थोड़ा सा छोटे दिख रहे होंगे तो इसे आप जूम करके देख लेंगे, उम्मीद है कि ये आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। सब टॉपिक्स के हम बता देते हैं। सिंधु सभ्यता में 6 से 10, 3 से 4, 14 से 25, उसके बाद का यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये सब आपको उम्मीद है कि दिख जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। अब देखिए, आप भाग नहीं जाएं, इतना ही से काम नहीं चल जाएगा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और मामला समाप्त हो गया। बातों को आप सुने समझें, इसलिए कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। 7 से 8, 9, 10 मिनट के हार्डली ये एपिसोड आपके पास आ रहे हैं, तो इसे आप पूरा ध्यान से सुने। पहली बात ये कि आपको ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चन इससे बाहर से भी आए तो बन जाए, और दूसरा है कि ये लास्ट चांस है, इसमें आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि अब इसमें कुछ बचे नहीं। देखिए, टॉपिक जो पहला टॉपिक हमने लिया है इंडस लिया है सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता में आप कैसे पढ़ेंगे इस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेल्स हर टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आप कैसे पढ़ें। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि इंडस लिया गया है, उसके बाद यूरोपियंस का आगमन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमने ज्योग्राफी से ब्रह्मांड लिया है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आप ब्रह्मांड पढ़ेंगे, पूरा ब्रह्मांड की थ्योरी किसने दिया, ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, तारे किस तरह से फॉर्म करते हैं, ये सब डिटेल्स आपको लेना है।
उसके बाद चौथा टॉपिक हमने जो लिया है वो है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का टॉपिक। ये हमने पहले टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, जीव विज्ञान में परिचय आपको करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स ये पढ़ने हैं आपको। ये आप बुक्स में पेज नंबर दिए जा रहे हैं, आप जाएंगे पेज पे पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। हम इस पर आपको और डिटेल्स देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की रचना, मतलब ये कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का निर्माण, उसके द्वारा फिर भारत के संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन प्लान पे बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ये क्वेश्चन इस सब टॉपिक से आता ही आता है, तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है अम्ल, भस्म और क्षार। देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट ये टॉपिक नहीं हुआ था, ये नया टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं हुआ था। तो इसमें पीएच वैल्यू और जो आपका लिटमस टेस्ट है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से कलर चेंज होता है, हम किसे अम्ल कहते हैं, अम्ल का मतलब क्या हुआ, हम किसे कहेंगे अम्ल, कौन सा केमिकल कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, टेस्ट क्या होता है, ये सब आप करेंगे। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट का टॉपिक हमारा है 1857 का महासंग्राम, ये भी नया टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप पढ़ेंगे। मात्र दो पेजेस में दिए हुए हैं आपके जो गाइड बुक है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का आज बिहार में वन संपदा, जो नया टॉपिक है तीसरा वो है फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें डिटेल्स, बिहार में किस किस तरह के फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट सर्वे क्या कहता है कि किस तरह का है, हमारा पूरा डिटेल्स फॉरेस्ट से रिलेटेड, साथ ही नेशनल पार्क्स क्या हमारे यहाँ किसी तरह जो राष्ट्रीय पार्क हैं क्या वो हमारे यहाँ हैं, दूसरी बात है कि अभ्यारण्य, उसके बाद इस तरह के ये सब आप फॉरेस्ट में पढ़ेंगे। तो डिटेल्स यहाँ से आप पढ़ें, इसमें कुछ भी आपको आप नहीं छोड़ना है, आपके साथ हम चलेंगे साथ स्टेप बाय स्टेप। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें, इंस्टेंट मैसेज, जहाँ तक संभव होगा अगर हम रहेंगे फ्री तो आपको तत्काल जवाब देंगे। डेली 500, 700, 800 मैसेजेस आते हैं, सबके जवाब देना संभव नहीं होता, लेकिन हम अधिकतम प्रयास करें कि आपके जवाब मिलें। तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करें। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे ढंग से और इसे प्रयास करें कि इसे हमें सही सही पढ़ना है, अब इसमें कुछ भी आपको बचा कर नहीं रखना है। बुक्स आपको बता दिए जा चुके हैं, क्राउन और लूसेंट दोनों बुक्स आप रखें, बिल्कुल ये दोनों बुक्स आप रखें, बहुत टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है और अच्छे से पढ़ना है, तो ये सब आप करें। उम्मीद है कि ये आपके काम का साबित होगा, हमें अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा, जो हम पढ़ रहे हैं ये लास्ट है, इससे हमें क्वेश्चन बनाने, तो अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर।